नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के नेता पप्पू यादव यूपी के रायबरेली पहुंचे हैं, जहां वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात की जानकारी 11 मई को उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए शिद्दत की गर्मी में भी जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में पप्पू यादव भी काफी एक्टिव है। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह 44 साल बाद रायबरेली आए हैं। रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पप्पू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रायबरेली आ गया हूं, 44 साल बाद रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी जी 5 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे, कोई अचरज नहीं होगा अगर सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह से है। हालांकि पहले चर्चा थी कि वह अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी सीट कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को दे दी गई। राहुल गांधी भी वायनाड सीट से उम्मीदवार हैं। यह पहली बार है कि जब राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से उनकी माँ सोनिया गांधी हमेशा से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली थी। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय खड़े हुए थे, जहां दूसरे चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। अब वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस से उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, क्योंकि गठबंधन में आरजेडी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव ने मजबूरी में निर्दलीय चुनाव लड़ा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।